नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण नाराज हैं, लेकिन ब्राह्मण बीजेपी को वोट देगा, ये बात कही जा रही है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि बीएसपी जो ये दावा अब तक करती रही कि 2007 में जो अपने दम पर सत्ता में आई थी तो उसमें ब्राह्मण वोट बड़ी संख्या में उसे मिले थे और इस बार भी वो जो प्रभु सम्मेलन इसीलिए करा रही है, लेकिन ये सिर्फ मिथ है। 2007 में भी 17%, सिर्फ 17% ब्राह्मणों ने ही बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था। हाँ, 2007 से पहले और 2012 के बाद ब्राह्मणों ने एकतरफा बीजेपी को वोट दिया है। 2007 में करीब 40% वोट ब्राह्मणों का बीजेपी को मिला था और 2012 में करीब 38% वोट ही ब्राह्मणों का बीजेपी को मिला था, लेकिन इससे पहले और बाद में ब्राह्मण वोट 80% के आसपास बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में सारे आंकड़े बताता हूं, विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी और लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी। एक और बात ब्राह्मण वोटरों के लिए कही जाती है कि ब्राह्मण जब वोट देते हैं तो वो सिर्फ खुद वोट नहीं देते, वो इन्फ्लुएंशियल जाती है, प्रभावशाली जाती है, तो वो औरों को भी प्रभावित करते हैं। वो अपने गांव, मोहल्ले, गली के लोगों को, जिसमें चाहे एससी के लोग हों, चाहे एसटी के लोग हों, चाहे ओबीसी हों, उनको भी प्रभावित करते हैं और एक तरह से वो माहौल बनाने का काम ब्राह्मण करते हैं। तो अभी ब्राह्मण वोटों की संख्या करीब 10% बताई जाती है, जाटव वोट 12% है, 11-12% यादवों का वोट माना जाता है, लेकिन ये 10% बड़ा सॉलिड वोट है। एक दूसरा, अवध और पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज्यादा है और ये दो जो ऐसे दो अंचल हैं जिसमें विधानसभा की करीब करीब आधी सीटें आ जाती हैं, यानी जो अवध और पूर्वांचल में ब्राह्मणों का दिल जीत लेगा वो पूरे उत्तर प्रदेश को जीत लेगा, ब्राह्मण वोटरों के हिसाब से ये कहा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि हम ब्राह्मण वोटरों के आंकलन करते हैं, आपको थोड़े आंकड़े इंटरेस्टिंग बताते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हुए, आखिरी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी हुए कांग्रेस की तरफ से 1989 में ब्राह्मण वोट मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद से कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं बना, इसलिए ब्राह्मण छटपटा रहे हैं। उनकी विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या भी कम होती जा रही है। 1980 में 87 होते थे, 87 MLA ब्राह्मण होते थे, 2002 में ये 41 रह गए, 2007 में 47, 2012 में 47 और 2017 में भी 47, तो पिछले 2-3 चुनाव से ये 47 पर अटके हुए हैं। 1900 मुकाबले सीटें करीब करीब MLA की कम हुई है, आधी रह गई हैं। एक और चीज, अब चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, 2014 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, तो पिछले 3 चुनाव में जो बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, उसमें ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। ब्राह्मण इतना वोट नहीं देते तो बीजेपी को इतना वोट नहीं मिल पाता। अब देखिए 1996 में 54% लोगों ने लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, 1998 में 80%, 1999 में 74%, 2004 में 59%, 2004 का चुनाव आपको ध्यान होगा जिसमें अटल जी की सरकार हारी थी और मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में आई थी, तब वोटों का परसेंटेज यूपी के अंदर ब्राह्मणों का कम हो गया था और वहां फिर बीजेपी के पैर उखड़ गए थे। अब ये देखिए सीटें शायद उनकी 9 आ पाई थी अगर मुझे सही ध्यान है। अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1996 के विधानसभा चुनाव में 71% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 2002 में 49% यानी 50% करीब करीब, 2007 जैसा मैं बता रहा था 40% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 2007 में मायावती के साथ सिर्फ 17% ब्राह्मण थे, 2012 में 38% ने दिया बीजेपी को वोट, बाकी वोट इधर उधर छितर गया विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी चुनाव हारी थी, 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। अब कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटर कहाँ जाएगा, चूंकि राजपूतवाद योगी चलाते हैं इसलिए वो
छितर सकता है, इधर उधर जा सकता है। परशुराम जयंती जैसे कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी बीएसपी कर रही है जिसमें सतीश शर्मा को सामने किया है, सतीश मिश्रा को मान लीजिए, सतीश मिश्रा को बीएसपी ने सामने किया है, वही जगह जगह जाकर अयोध्या से में वाराणसी मथुरा चित्रकूट यहाँ सब इस तरह के सम्मेलन होंगे, और ब्राह्मण बोर्ड बीजेपी से नाराज है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देगा तो किसे वोट देगा, ये एक बात सही समझ में नहीं आ रही। दूसरा, कांग्रेस का बड़ा वोटर रहा है ब्राह्मण 1989 तक, नारायण दत्त तिवारी जब आखिरी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होगी तो ब्राह्मण उसके साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस जहां जीतने की स्थिति में होगी वहां हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण चला जाए, हो सकता है कुछ ब्राह्मण बीएसपी में भी चला जाए, लेकिन मोटे तौर पर 70% से ज्यादा ब्राह्मण आज की स्थिति में भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगा, भले ही मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ उसे पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि एक गेम चेंजर आइडिया हो सकता है अगर प्रियंका गांधी को बीजेपी कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में सामने कर दे। कुछ लोग और दूसरे ब्राह्मण नेताओं की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण वोटरों का आंकड़े मैंने आपको बता दिए, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है शायद इन आंकड़ों से, तभी उन्होंने जितिन प्रसाद जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ब्राह्मण नेता को अपने साथ लिया और ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश अब भी बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।